हे गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे न्यू और एक्साइटिंग वीडियो में। चलिए आज वीडियो शुरू करते हैं। अभी Redmi ने अपना न्यू फोन लॉन्च किया, Redmi 8 और Redmi Note 8 Pro। लेकिन मैं Note 8 Pro को 7 Pro से कंपेयर नहीं करूंगा। इस समय मुझे वैलिड कंपैरिजन लग रहा है Redmi Note 8 और Redmi Note 7 Pro का। दोनों का प्राइस रेंज अब ज़्यादा करीब है कंपेयर टू दोनों प्रो मॉडल के। नोट 7 प्रो और नोट 8 प्रो में प्राइस गैप ज़्यादा हो गया कंपेयर टू नोट 8 और नोट 7 प्रो में। तो मैं नोट 8 और नोट 7 प्रो को कंपेयर कर रहा हूँ। वो लास्ट जो फ़ोन लॉन्च हुआ था Redmi के नोट सीरीज में, उसका प्रो है और ये नॉर्मल नोट 8 है। तो कौन सा बेटर होगा, अगर आपको वो जानना है तो मेरी वीडियो देखते रहिए। और वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक करना और सब्सक्राइब करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर देखा जाए तो नोट 7 प्रो में पहले अपने हार्डवेयर से शुरू करें तो आपको मिलता था स्नैपड्रैगन 675। नोट 8 में आपको मिलता है 665। प्रोसेसर थोड़ा सा डिक्रीज हो गया है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा ड्रॉप आ गया प्रोसेसर में, थोड़ा सा कम हो गया है लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कैमराज की तरफ जाएं, दोनों का मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का है। लेकिन नोट 7 प्रो में आपको मिलते हैं दो कैमरा, लेकिन नोट 8 में मिलते हैं आपको चार कैमरा। मतलब आपको पहले ही दो कैमरा एक्स्ट्रा मिल गया। तो कैमरा का जो भी एक्सपीरियंस होगा आपका बेटर ही होना है। डिस्प्ले दोनों की ऑलमोस्ट सेम है, दोनों में 6.3 इंच के आसपास फुल HD प्लस स्क्रीन है, तो उसमें आपको प्रॉब्लम आनी है नहीं। बैटरी दोनों में 4000 mAh है। सब मतलब हार्डवेयर में सिर्फ मेन डिफरेंस कहूँ तो एक ही है कि प्रोसेसर थोड़ा सा डिक्रीज हो गया, बाकी सब सेम ही है। दोनों तरफ गोरिल्ला ग्लास है, दोनों में गोरिल्ला ग्लास 5 ही है, तो और कुछ डिफरेंस नहीं। लेकिन अब से आपका कैमरा बेटर हो गया नोट 8 में। तो अब आपको प्रोसेसर थोड़ा सा डिक्रीज हो रहा है, बिल्कुल मतलब आप काउंट भी नहीं करें तो भी चलेगा। अगर आप गेमिंग ज़्यादा खेलते हैं तो बाद में थोड़ा फर्क पड़ेगा कि आपको गेमिंग थोड़ी सी बेटर मिलेगी नोट 7 प्रो में, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। और अगर हम बैटरी की तरफ बढ़े तो बैटरी दोनों में 4000 mAh है, लेकिन अब नोट 8 उससे सस्ता है, 10,000 में आता है। नोट 7 प्रो आपको अभी भी 12,000 के आसपास मिलता है सेल में। फिर भी नोट 8 में आपको 18W का फास्ट चार्जर देखने मिलेगा, लेकिन नोट 7 प्रो में आपको 10W का चार्जर देखने मिलेगा जो फास्ट चार्जर नहीं है। तो उसमें आपको चार्जर फास्ट मिल रहा है, बैटरी सेम है लेकिन उसका चार्जर फास्ट है, तो बैटरी कॉम्पिटिशन जीत गया नोट 8। अगर कैमरा देखा तो जीता नोट 8। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो नोट 8 विनर बन रहा है। कैमरा में नोट 8 आ गया है, बैटरी में नोट 8 आ गया है। फिर अगर हम देखे जाएँ तो सिम स्लॉट्स में इंडियन पब्लिक वो है जिसको ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स चाहिए। हम सबके पास इस समय दो सिम कार्ड मोस्टली होंगे, एक जियो का और एक उनका मेन सिम। तो नोट 8 में इस समय आपको ट्रिपल स्लॉट देखने मिलता है, इसमें आप दोनों सिम कार्ड प्लस SD कार्ड डाल सकते हो। लेकिन नोट 7 प्रो में आप दो सिम कार्ड या नहीं तो एक सिम और एक SD कार्ड डाल सकते हो, जिसमें आपको बेनिफिट मिल जाता है नोट 8 में। तो इस समय हम जो कंपेयर कर रहे हैं ना, प्राइस कम है नोट 8 की फिर भी उससे बेटर निकल रहा है। तो अगर आप नोट 7 प्रो खरीदने का सोच भी रहे हैं तो मत खरीदिएगा, नोट 8 उससे बेटर है। आपका अगर प्राइस नोट 8 प्रो जितना नहीं है तो नोट 7 प्रो मत खरीदिएगा, नोट 8 खरीदिएगा। क्योंकि नोट 8 है ना जो इस समय नोट 7 प्रो से मुझे बेटर डील लग रहा है। लॉन्गर टाइम पे आपको नोट 8 बेटर लगेगा क्योंकि उसका जो भी बेनिफिट्स मिल रहा है हार्डवेयर में ज़्यादा है। सॉफ्टवेयर तो MIUI है, दोनों में सेम ही चलना है, सॉफ्टवेयर में आपको डिफरेंस नहीं मिलना। मेन डिफरेंस है जो हार्डवेयर में, वो मुझे ज़्यादा बेनिफिशियल लग रहा है नोट 8 में। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर मेरी वीडियो शेयर करें। और मेरे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, बाय बाय।